रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रंगदारी वसूली के लिए PLFI से अलग होकर मुख्यार ग्रुप नाम के उग्रवादी संगठन बनाने वाले दिनेश खेरवार उर्फ राजा दीना को साथियों के साथ पकड़ लिया है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, एक बाइक और दो मोबाइल बरामद किया है। रांची के लापुंग इलाके से उनकी गिरफ्तारी की गई है। चार साल पहले वो PLFI से अलग होकर मुख्यार ग्रुप के नाम से संगठन तैयार किए थे, जिसमें जेल से छूटे अपराधियों व उग्रवादियों को जोड़ लिया था। इसके बाद ठेकेदार, राशन डीलरों, व्यक्तियों से लेवी वसूली की शुरुआत कर दी। यहाँ तक कि सुपारी लेकर हत्या की वारदात को भी अंजाम देने लगा था। रांची के जो एडजोइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे गुमला, खूंटी, लोहरदगा और जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, वहाँ पे मुख्यार ग्रुप से एक कोई संगठन अपने आप को स्थापित करने लगा हुआ था। और इस ग्रुप का वजह यह था कि पूर्व में PLFI के लोग मेम्बर रहे थे और इसका सुप्रीमो दिनेश खेरवार, जिसके नेतृत्व में ये लोग अपने आप को स्थापित करके और एक पैरेलल संस्था के रूप में लोगों को धमकाना, उसके बाद लेवी वसूलना, आम लोगों को परेशान करना, हथियार की सप्लाई करना, इस तरह के काम करने का प्लान था। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण SP साहब पूरे से ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे, तो इस पूरे ऑपरेशन में जो DSP बेरो हैं रजत मणि बाघला, उनका उनकी टीम का बहुत सराहनीय योगदान रहा। एक इंट मिला था इस इंट, और साथ ही ये लोग हमारे एक कांड जो कि यहाँ पे हुआ था लापुंग में 18-20, उसका ये अभियुक्त लोग भी था, तो इसी कांड के इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने अपने आप को लीड लिया। और यहाँ से जो है दिनेश खेरवार, जो इस गैंग के सुप्रीमो है, इसके साथ इस गैंग के दो आदमी और मसी प्रकाश और जट्टू भगत, इसकी भी अरेस्टिंग की गई है। और इसके पास से एक अभी छोटा सा हथियार बरामद हुआ है और जगह छापेमारी करने की आवश्यकता है, जिसको कि हम लोग करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने के बाद में ये जो गैंग है ये अब तक चूँकि सुप्रीमो अरेस्ट हो चुका है, तो ये गैंग पनपने से पहले ही है, इसका निशान बुद्ध किया हो चुका है ये, और इसके पास जो कुछ भी चीज़ हम लोगों को मिला है, हम लोग उस पर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ताकि और जो एक दो लोग बचे हुए किसी और डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग उसकी अरेस्टिंग वो जल्दी कर लेंगे। मुख्यार ग्रुप में महज 15 से 20 सदस्य ही जुड़े होने की जानकारी पुलिस को मिली है, जो लगातार रंगदारी वसूली कर रहे थे। ग्रुप में जुड़े लोग खूंटी, रांची के लापुंग, चान्हो, पिठोरिया, लातेहार, गुमला आदि इलाकों के लोग हैं। इन दिनों मुख्यार ग्रुप तेजी से रांची के अलग अलग इलाकों में पैर पसार रहा था। लगातार सक्रियता बढ़ने की सूचना पर SSP सुरेंद्र झा के निर्देश पर ग्रामीण SP नौशाद आलम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो दिनेश खेरवार की गिरफ्तारी के लिए लगी थी। इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।